नमस्कार, खबर दुनिया में आज देखेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस्तीफे का सच, द्वितीय विश्व युद्ध को लेकर फिर सामने हुए रूस और जापान, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया अब नहीं रहे दुश्मन, और ऑस्ट्रेलिया में गर्मी से बढ़ी मुसीबतें। इसके अलावा दुनिया रंग बिरंगी में देखेंगे अमेरिका में एलियंस के लैंडिंग जोन की और भी बहुत कुछ। तो सप्ताह भर की चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ खबर दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वमित्रा। मैक्सिको वॉल को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जिद की वजह से अमेरिका में काफी समय से शटडाउन चल रहा है। ऐसे समय में अचानक अखबार में छपा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्तीफा दे दिया है। इतनी बड़ी खबर से जाहिर है दुनिया में हलचल मच गई। तो क्या है ट्रंप के इस्तीफे का सच, आइए देखें इस रिपोर्ट में। बुधवार को अमेरिका के जाने माने अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस्तीफे की खबर छपी। यह पेपर राष्ट्रपति भवन यानी व्हाइट हाउस के आसपास और वॉशिंगटन के कुछ अन्य व्यस्त इलाकों में बांटा गया। ट्रंप के इस्तीफे की खबर फैलते ही अमेरिका समेत दुनिया भर में ट्रंप के विरोधी खेमे में खुशियां मनाई जाने लगी। अखबार में 6 कॉलम में बोल्ड अक्षरों में शीर्षक दिया गया था, अप्रत्याशित ट्रंप व्हाइट हाउस से विदा, संकट खत्म। साथ में 4 कॉलम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर भी लगाई गई थी, जिसमें ट्रंप सिर झुकाए नजर आ रहे थे। खास बात यह कि समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि 1 मई 2019 लिखी हुई थी। बाद में पता चला कि ये वॉशिंगटन पोस्ट अखबार का फर्जी संस्करण है और असली अखबार के संस्करण की तरह इसे पेश किया गया। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक ट्वीट के जरिए स्पष्टीकरण भी जारी किया कि फर्जी अखबार का वितरण किया गया है। हालांकि व्हाइट हाउस की ओर से जाली अखबार पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। ट्रंप की पत्रकारों से कई बार अनबन हो चुकी है, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस्तीफे की इस फर्जी खबर पर वे क्या कहते हैं। बहरहाल अब देखते हैं रूस और जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर को लेकर अब क्यों आमने सामने हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की न केवल बुरी तरह हार हुई थी बल्कि हिरोशिमा नागासाकी का जख्म भी उसे मिला, लेकिन इसके साथ ही कुछ और दर्द भी उसे मिले थे, जिस पर रूस ने जापान को सलाह दी है कि दूसरे विश्व युद्ध के नतीजे वह स्वीकार कर ले। आपको बता दें कि दूसरे विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में सोवियत संघ ने प्रशांत महासागर में स्थित 4 द्वीपों पर कब्जा कर लिया था। जापान और रूस दोनों उन पर अपना हक जताते हैं। इस विवाद के कारण दोनों देशों के बीच शांति संधि नहीं हो पाई। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस मामले को सुलझाने की ओर कदम अब बढ़ाया है। 22 जनवरी को वो इस मसले पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत भी करने वाले हैं। दूसरी ओर रूस का कहना है कि शांति समझौते से पहले जापान को उन द्वीपों पर रूस का हक मान लेना चाहिए। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लवरोव ने कहा, यह वार्ता की शर्त नहीं है, हम बस यह समझना चाहते हैं कि जापान द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहा। उन्होंने यह भी कहा कि रूस ने कई बार शांति संधि करने की कोशिश की है, लेकिन द्वीपों को लेकर चल रहे मतभेद इसमें अड़ंगा बन रहे हैं। रूसी नागरिक भी जापान को कोई भी द्वीप लौटाने के पक्ष में नहीं है। हालांकि लवरोव ने कुरील द्वीपों को लेकर चल रहे विवाद पर जापान को अंतिम चेतावनी दिए जाने से इनकार किया है। रूस और जापान के बीच शांति समझौता हो पाता है नहीं, इसका खुलासा जल्द हो जाएगा। लेकिन एक अच्छी खबर कोरियाई द्वीप से आई है, जहां उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया अब एक दूसरे को दुश्मन नहीं मान रहे। दुनिया के दो प्रमुख देश उत्तर और दक्षिण कोरिया अब नजदीक आ रहे हैं, एक दूसरे को दुश्मन मानने का सिलसिला तोड़ रहे हैं, और इसकी ताजा मिसाल दक्षिण कोरिया से मिली। यहां द्विवार्षिक रक्षा दस्तावेज से इस बार उत्तर कोरिया के लिए दुश्मन शब्द हटा दिया गया है। पहली बार 1995 में दक्षिण कोरियाई दस्तावेज में उत्तर कोरिया को प्रमुख दुश्मन बताया गया था, लेकिन हाल ही में प्रकाशित दक्षिण कोरियाई रक्षा श्वेत पत्र में उत्तर कोरिया के लिए दुश्मन, मौजूदा दुश्मन या प्रमुख दुश्मन जैसे किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। उत्तर कोरिया अब तक अपने लिए ऐसे शब्दों को उकसावे भरा कदम बताता रहा है, और वो मानता था कि दुश्मन शब्द का इस्तेमाल कर दक्षिण कोरिया अपना बुरा व्यवहार दिखा रहा है। हालांकि अब दक्षिण कोरिया के दुश्मन शब्द हटाने के कदम को उत्तर कोरिया की तरफ दोस्ताना व्यवहार बढ़ाने के एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। यह कदम भी ऐसे समय उठाया गया है जब जल्द ही अमेरिका और उत्तर कोरिया के शीर्ष नेता यानी डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन फिर से बैठक करने वाले हैं। कोरियाई देशों के बीच जमी बर्फ इस दोस्ताना पहल से पिघलेगी, ये उम्मीद की जानी चाहिए। वैसे असल बर्फ यानी भीषण सर्दी के कारण हो रही बर्फबारी से दुनिया के कई देश परेशान हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तो गर्मी से हाहाकार मचा है।
ऑस्ट्रेलिया इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है। देश के दक्षिण पूर्वी इलाकों में कई जगह पर तापमान 50 डिग्री तक पहुंच गया है। देश भर में गर्म हवा के थपेड़ों के चलते ओजोन अलर्ट घोषित कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को आगाह किया है कि चिलचिलाती धूप और गर्म हवा से ओजोन का स्तर बढ़ेगा, जिससे बहुत सी परेशानियां हो सकती हैं। वैसे आमतौर पर इस मौसम में सिडनी के आसपास और देश के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में तापमान बहुत अधिक रहता है, लेकिन इस साल टेम्परेचर ने पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक दक्षिण ऑस्ट्रेलिया इस साल दुनिया के सबसे गर्म इलाकों में शामिल हो गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में पारा और चढ़ सकता है। वैसे इस सप्ताह मंगलवार को टारकुल शहर का तापमान 49 डिग्री दर्ज किया गया था। गर्मी बढ़ने से करीब 10 लाख मछलियों की मौत हो गई। वहीं गर्मी के कारण एडिलेड में होने वाले साइकिलिंग रेस टूर डाउन अंडर के कार्यक्रम में भी बदलाव किया गया है। ऑस्ट्रेलिया से अब बढ़ते हैं पाकिस्तान की ओर, जहां अभी से वैलेंटाइंस डे के लिए फरमान जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान में 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे मनाने की जगह सिस्टर्स डे मनाया जाएगा। पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी में इस्लामी रिवायतों को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला लिया गया है। फैजलाबाद के कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति जफर इकबाल रंधावा ने तय किया कि वैलेंटाइंस डे पर छात्राओं को स्कार्फ जैसे तोहफे दिए जा सकते हैं। कुलपति का मानना है कि यह पाकिस्तान की तहजीब और इस्लाम के मुताबिक है। रंधावा ने कहा कि विश्वविद्यालय इस्लामी रिवायतों को बढ़ावा देने के लिए 14 फरवरी को सिस्टर्स डे मनाएगा। उन्होंने कहा कि हालांकि कुछ लोगों ने वैलेंटाइन डे को खतरे में बदल दिया है, मेरा मानना है कि अगर खतरा है तो इसे मौके में बदलें। उन्होंने दावा किया कि सिस्टर्स डे मनाने से लोगों को ये एहसास होगा कि पाकिस्तान में बहनों को कितना प्यार मिलता है। रंधावा ने कहा, भाई और बहन के प्यार से बड़ा क्या कोई प्यार है? सिस्टर्स डे पति पत्नी के प्यार से बड़ा है। पाकिस्तान के इस फरमान के बाद चीन की एक कंपनी के फरमान की भी काफी चर्चा है। यहाँ एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों को सड़क पर रेंगने की सजा सुनाई। तो क्यों सुनाई ये सजा, आइए देखें। बच्चों को स्कूल में कभी मुर्गा बनने की, कभी हाथ खड़ा करने की या कक्षा से बाहर निकलने की सजा तो सुनाई जाती है, लेकिन चीन में तो एक कंपनी ने टारगेट पूरा न करने पर कर्मचारियों को सड़क पर रेंगने की सजा ही दे दी। कंपनी ने टारगेट पूरा न होने पर कर्मचारियों को बीच सड़क पर रेंगने के लिए कहा। इस दौरान इनके आसपास से गाड़ियां गुजर रही थी। सड़क पर रेंग रहे कर्मचारियों को देखने के लिए लोग रुक भी गए। जब कर्मचारी सड़क पर रेंग रहे थे तब एक शख्स झंडा लेकर आगे चल रहा था। ये सभी कर्मचारी सूट बूट में थे और इनमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थे। हालांकि कुछ देर बाद पुलिस ने दखल दिया और इसे रोका गया, लेकिन उससे पहले ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था। खबरों के मुताबिक मामले के तूल पकड़ने के बाद कंपनी को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। कंपनी के इस व्यवहार की वजह से लोगों में काफी गुस्सा है। ट्विटर पर कुछ लोगों ने कंपनी को हमेशा के लिए बंद करने को कहा तो कुछ लोगों ने कर्मचारियों पर ही सवाल उठाए। हालांकि कंपनी या कर्मचारियों की ओर से अब तक पूरी घटना को लेकर कोई बयान या टिप्पणी सामने नहीं आई है। चीन में कर्मचारियों को सजा का सामना करना पड़ा। उधर जापान में कर्मचारी खुश हैं कि रोबोट के सामने उनकी अहमियत फिर बढ़ रही है। जापान में रोजमर्रा के काम में रोबोट का इस्तेमाल काफी किया जाता है। बहुत सी जगह इंसानों की जगह रोबोट को ही काम पर रखा जाता है। हिनाना नाम के होटल में भी कई रोबोट काम करते थे, लेकिन अब होटल ने अपने आप काम कर रहे रोबोट्स की संख्या को आधा करने का फैसला किया है। मैनेजमेंट का कहना है कि कुछ रोबोट होटल की समस्या सुलझाने के बजाय बढ़ा रहे हैं। दरअसल हिनाना नाम के होटल में कई अहम सेवाएं रोबोट के हवाले हैं, जैसे ग्राहकों को स्थानीय जगहों के बारे में सही सही जानकारी देना, लगेज सर्विस देना, चेक इन और पासपोर्ट सेवा संभालना आदि आदि। लेकिन ये रोबोट अपने काम को सही तरीके से अंजाम नहीं दे पा रहे और बारिश और बर्फबारी के तो वे बेकार ही साबित हो रहे हैं। वैसे इन रोबोट्स ने होटल में कई सालों तक अपनी सेवाएं दी हैं, लेकिन अब उनके काम में गड़बड़ी से हिनाना के मैनेजमेंट ने इनकी जगह नए रोबोट्स लाने की बजाय रोबोट्स की सेवाएं ही बंद करने का फैसला किया है। इंसानों के लिए ये खुशखबरी की बात इसलिए है कि जापान के इस होटल ने अब एक बार फिर रोबोट्स की जगह इंसानों को काम पर रखा है। यानी जिन रोबोट्स ने इंसानों को रिप्लेस किया था, उन्हीं रोबोट्स की खामियों ने एक बार फिर मैनेजमेंट को इंसानों की तरफ लौटने के लिए मजबूर किया है। और आखिर में एक खबर दुनिया रंग बिरंगी से। एलियंस को लेकर कई तरह की बातें होती रहती हैं। आसमान में कुछ भी अनोखा नजारा दिखता है तो उसे एलियंस से जोड़कर कल्पनाएं की जाती हैं। लेकिन अमेरिका में एक नदी में ऐसा बदलाव हुआ कि लोगों ने इसे एलियंस का लैंडिंग जोन मान लिया।
अमेरिका के वेस्टब्रुक में बहने वाली एक नदी में एक बहुत बड़ी बर्फ की प्लेट यानी आइस डिस्क बनी। ये आइस डिस्क साइज में करीब 298 फीट चौड़ी है। इसको लेकर अनुमान लगाए जा रहे हैं कि क्या यह एलियंस के लिए एक लैंडिंग जोन बना है। ऐसा कहा जा रहा है कि नदी में हुआ यह विशेष बदलाव एक एलियन स्पेसक्राफ्ट, एक कैरसेल और एक चांद की वजह से हो सकता है। लेकिन रिसर्चर्स का मानना है कि आइस डिस्क पानी के तापमान में हुए बदलाव की वजह से बनी है। इसी कारण पानी के अंदर एक भंवर बन गया और आइस डिस्क धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगी। नदी में बन रही इस आइस डिस्क को देखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा भी हुए। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये आइस डिस्क असामान्य है लेकिन प्राकृतिक है। ऐसा तब होता है जब बर्फ का एक टुकड़ा टूटकर अलग हो जाता है और घूमने लगता है। जैसे ही यह मुड़ता है तो यह चट्टानों और पानी से टकराता है और इसके किनारे मुड़ते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने पहले भी आइस डिस्क देखे हैं, लेकिन इतना बड़ा आइस डिस्क पहली बार देखा गया और इसीलिए इसको लेकर तरह तरह के कयास लगने शुरू हो गए। इंसान के इमेजिनेशन का क्या कहना, उसे कभी बादलों में हाथी घोड़े और देवी देवता नजर आते हैं, कभी पानी में एलियंस के लैंडिंग जोन। बहरहाल दुनिया ऐसी ही कल्पनाओं से रंग बिरंगी बनी हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।